रम्पलस्टिल्टस्किन। एक वक्त की बात है, एक गांव में बेहद गरीब बुनकर रहता था और उसकी एक बेहद ही हसीन बेटी थी। उसकी बेटी उसकी आंखों का तारा थी। वो हमेशा कहता कि उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं है। एक दिन जब शहजादा घुड़सवारी कर रहा था, उसने देखा कि एक लड़की नदी के किनारे बैठी कपड़े धो रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये, शहजादे ने अपने दिल में सोचा। फिर उस लड़की से मुखातिब हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ कहती, उसके वालिद ने जवाब दिया। आपको जान के मसर्रत होगी बादशाह सलामत, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत लड़की आपने कहीं नहीं देखी होगी। शहजादे ने उस दुख्तर और वालिद की जोड़ी को बड़े मसर्रत से देखा, अपने शानदार घोड़े पर बैठकर। सचमुच आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, शहजादे ने जवाब दिया और बुनकर का सीना खुशी से चौड़ा हो गया। ये बात तो एकदम सच है, लेकिन उसकी काबिलियत उसके चेहरे की खूबसूरती से ज्यादा बड़ी है। बुनकर ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? शहजादे ने ताज्जुब से पूछा। दरअसल मेरी दुख्तर वो मेरी बुनकर कोई हुनर सोचने की कोशिश करने लगा जिससे शहजादा मुतासिर हो। उसकी आंखें शहजादे की आंखों से मिली और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। अचानक उसने देखा कि कुछ मुर्गियां सूखी घास के आसपास दाना चुग रही थीं। याद आया, दरअसल वो मेरी बेटी वो सूखी घास में से सोना बुन सकती है। बुनकर ने बड़े ही एतमाद के साथ शहजादे से कहा। लेकिन अब्बा जान, उसने बोलने की कोशिश की क्योंकि उसे अपने अब्बा का ये झूठ बिल्कुल पसंद न आया। तब तो ये बड़ी खास लड़की है, शहजादा खुश होकर मुस्कुराते हुए बोला। अगर सचमुच तुम्हारी उंगलियां सूखे घास को सोने में बदल सकती है, तब तो तुम्हारी जगह मेरे महल में है। आओ मेरे साथ, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये हकीकत है। शहजादे की बात मानने के अलावा उस लड़की के पास कोई और राह न थी। शहजादे के हमरा घोड़े पर सवार होकर वो लड़की महल चली गई। जब वो महल में तशरीफ लाए तो शहजादा उसे एक अंधेरी कोठरी में लेकर चला गया जो सूखी घासों से भरी हुई थी। कोठरी के बीचों बीच एक चरखा रखा था। शहजादे ने उससे कहा, कल सूरज उगने से पहले तुम्हें इस सूखी घास को सोने में तब्दील करना होगा, और अगर तुम इसे करने में नाकामयाब हुई और तुम्हारे वालिद साहब ने अगर मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। काल कोठरी का दरवाजा बंद होने की आवाज जब लड़की के कानों पर पड़ी तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि वो रोने लग गई। अचानक उसने देखा कि एक बौना सा आदमी उसके सामने खड़ा है। क्यों रो रही हो? उसने दरियाफ्त किया। मैं बहुत अफसरदा हूँ, वो रोते हुए बोली। राजा ने मुझसे कहा है सुबह तक सारी सूखी घास को सोने में तब्दील करूं। मुझे नहीं पता मैं ये कैसे करूंगी। अगर मैं ये काम कर दूं, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? बौने ने लड़की से पूछा। ये मेरे गले का हार, लड़की ने कहा। बौने ने वो हार अपने हाथों में लिया और चरखे पर बैठ गया। कुछ ही देर में उसने सारी सूखी घास को बुनकर उसे सोने के धागों में तब्दील कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही शहजादा कोठरी के करीब आया और उसने कोठरी का दरवाजा खोला। अपने अतराफ में इतना सारा सोना देखकर शहजादा बेहद खुश हुआ। लेकिन शहजादे का लालच यही नहीं थमा। अपने सिपाहियों की फलाह बहबूदी के लिए उसे और भी बहुत सारा सोना चाहिए था। वो सिपाही जिन्होंने उसकी रियासत को दुश्मनों से बचाए रखा था, वो बुनकर की बेटी को एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में लेकर चला गया और उससे कहा, तमाम सूखी घास को सुबह तक सोने में तब्दील कर दो। उस रात लड़की फिर से जारो कतार रोने लगी क्योंकि उसे खबर थी कि ये उससे न हो पाएगा। पर वो बौना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और उसने दोबारा उससे पूछा, अगर मैं ये पूरी सूखी घास को तुम्हारे लिए सोने में तब्दील कर दूं तो इस इमदाद के बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरी ये कमरबंद मैं तुम्हें दे सकती हूँ, उसने कहा। उस बौने शख्स ने वो कमरबंद हाथ में लिया और फिर से चरखा चलाने लगा और जल्द ही सोने के धागों से एक के बाद एक बड़े बड़े गोले बनते गए। जल्द ही सारी सूखी घास सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन था कि अगर वो थोड़ा और सोना इकट्ठा कर ले तो उसकी रियासत में फिर से खुशहाली लौट आएगी। इसीलिए उसने महल के सबसे बड़े कमरे को सूखी घास से भर दिया और उस लड़की को अंदर दाखिल कर दिया। अगर तुमने ये सारी घास सुबह तक बुन ली तो मैं तुम्हें अपनी मल्लिका बनाऊंगा।
और उसके बाद तुम्हें सूखी घास कभी भी तब्दील नहीं करनी होगी सोने में। जब वो लड़की तन्हा थी तब वो बूना शख्स फिर से उसके सामने आ गया और बोला, सूखी घास को बुनने के बदले में मुझे इस बार क्या मिलेगा? मेरे पास आपको देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, उसने जवाब दिया। तो मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि जब तुम मल्लिका बनोगी तो पहली औलाद तुम्हारी मेरे हवाले कर दोगी, बौने शख्स ने कहा। लड़की ने सोचा कि वो वक्त आने से पहले काफी कुछ बदल चुका होगा, इसलिए उसने उस शख्स की बात मान ली और उससे वादा किया। जब शहजादा सुबह वापस आया तो उसने पूरा कमरा सोने से भरा पाया। अरे वाह, बुनकर की दुख्तर, तुमने मुझे 3 रातों में इतना सोना दिया है जितना किसी बादशाह के पास नहीं होगा। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी होनहार भी हो। क्या तुम मेरी मल्लिका बनना पसंद करोगी? इस तरह बुनकर की दुख्तर, जिससे शहजादा बेहद पसंद था, वो उसकी बेगम बन गई। कुछ वक्तों बाद उसने एक बेटे को पैदा किया। वो बोने शख्स को दिया हुआ वादा पूरी तरह भूल चुकी थी। अचानक एक रोज वो शहजादी के कमरे में आया और कहने लगा, वादा निभाओ, औलाद दे दो। शहजादी काफी अफसरदा हो गई। वो बोने शख्स के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि चाहे जो कुछ हो उसकी सारी दौलत ले ले, लेकिन उसके बच्चे को न ले जाए। बोने शख्स ने कहा, तुम्हारी निगाहों में जुदाई का गम देखकर तुम्हें तुम्हारी औलाद बचाने का एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। तुमने अगर मेरे नाम का सही अंदाजा लगा दिया तो तुम्हारी औलाद तुम तुम्हारे पास रख सकती हो। शहजादी सारी रात जागती रही। वो सारे नाम याद करने की कोशिश करने लगी जो उसने आज तक सुने थे। जब वो बौना शख्स अगले दिन वापस आया, उसने नाम लेने की शुरुआत की, डेविड, एल्विन, फ्रांसिस। पर हर नाम सुनने के बाद वो एक ही बात कहता, नहीं नहीं, मेरा नाम ये नहीं है। दूसरे रोज शहजादी ने महल की सारी किताबें पढ़ ली और सारे पेचीदा नाम याद कर लिए। उसने बौने से दरियाफ्त किया, आपका नाम जॉन है, जॉनी या मैथ्यू? लेकिन वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहा, नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। तीसरे रोज उसने सिपाहियों को शहर के हर कोने में भेजा ये देखने के लिए कि लोग अपने बच्चों को कौन कौन से नामों से पुकारते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और कहने लगा, मल्लिका जहां, मैं ऐसा कोई नाम तो तलाश नहीं कर पाया, लेकिन दूर कहीं एक पहाड़ी पे जो जंगल है जहाँ सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ मैंने एक बौने को आग के इर्द गिर्द नाचते गाते हुए देखा। कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, कभी कोई ये नहीं पाएगा ये जान, रम्पेलस्टिल्सकिन है मेरा नाम, रम्पेलस्टिल्सकिन है मेरा नाम। नाम सुनकर रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बौना शख्स फिर से आया तो शहजादी ने उससे पहले पूछा, क्या तुम्हारा नाम एल्बर्ट है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम रॉनी है? नहीं नहीं। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पेलस्टिल्सकिन है? दत्तरी, यही तो है, यही तो है। वो चिल्लाता हुआ महल से इस कदर भागा कि वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। सिंड्रेला। एक बार एक बहुत रईस आदमी था। निकाह के कुछ सालों बाद ही उसकी बीवी की वफात हो गई और छोड़ गई पीछे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस रईस आदमी ने एक नया निकाह कर लिया और उसकी दूसरी बीवी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी 2 गुरूर तरीन बच्चियों के अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी। उन दोनों बेटियों को सिंड्रेला के साथ बहुत जलन होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने घर पर पूरा कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को अपने घर की खादमा बना ली। वो बर्तन मांजती, कपड़ा धोती, झाड़ू पोछा करती और सूरज उगने से पहले ही उठ जाती बेचारी और जमीन पर गिरी हुई कोयले की राख समेटने लगती, जिसके वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर के बाहर तार ज्यादा बिस्तर पे सोती जो घास के ऊपर लदी हुई होती थी। वो सर्दियों के वक्त झोपड़ियों के छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी के अंदर बर्फ की पूरी सफेद परत जमा हो जाती। इस हैरत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए वो रसोई में जलते हुए चूल्हे के सामने सो जाती। कोयले की राख पूरी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते और इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कह के पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख में लदे हुए कपड़े वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी
क्योंकि सारे दिन घर में मजदूरी करने के बाद इतने मैले कपड़े पहनने के बाद भी सिंड्रेला उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बादशाह के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने सल्तनत में सारे जेर असर लोगों को दावत में आने का दावतनामा दिया। सिंड्रेला की माँ और सौतेली बहनों को भी दावतनामा दिया गया। दोनों तंज तरीन बहनें भी तैयारियां करना शुरू कर दी। नए कपड़े सिलवाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दी। उन रेशम के कपड़ों के ऊपर सिंड्रेला जरी लगा दी, उन्हें ध्यान से धोकर इस्तरी करती। मैं दावत में ये लाल जरी वाला लिबास पहनूंगी। बड़ी बहन खुशनुमा होके कहने लगी और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का लिबास पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरों के जेवर बहुत जचेंगे मेरे लिबास के साथ। बाल सवारने के लिए महंगे हजाम बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकान से दर्जियों को कपड़े सीने के लिए बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए बहुत महंगे लाली पाउडर मंगाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? ओ, पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के तमाम लोग तुम पर हंसेंगे। सिंड्रेला की जगह अगर कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी, उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनें अच्छी दिखे तो घंटों आईनों के सामने खड़े होके खुद को देखती और खुद की तारीफ करते रहती। आखिरकार दावत पर जाने का वक्त नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्गियों में बैठकर खुशनुमा होके निकल पड़ी बादशाह के महल के लिए। सिंड्रेला गमजदा नजरों से देखकर उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जाके जलते हुए कोयलों के सामने बैठ गई। तन्हाई का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो अश्क बहाने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी निगाहें चमकदार थी, उसे पंख भी लगे हुए थे और उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से गमजदा होने का सबब पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना कह के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम फिकर ना करो और अब रोना बंद कर दो और बागीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेके बगीचे में जाके कद्दू ढूंढने लगी और लालटेन की रोशनी में इधर उधर ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के हवाले कर दिया। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और उसने कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा और उसने उस कद्दू पे अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वो कद्दू एक आलिशान बग्गी में तब्दील हो गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहने जिस बग्गी में बैठकर महल गई थी उस बग्गी को भी सिंड्रेला ने देखा था, पर इतनी खूबसूरत बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की इतनी बड़ी बग्गी और शक्ल कद्दू जैसी। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई तो उसने देखा कि उसके अंदर जिंदा चूहे हैं। परी ने उसे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे बाहर आकर दौड़ने लगे परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये सब देख के हैरत ज़दा हो गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में तब्दील हो गए और बग्गी के आगे खड़े हो गए 6 ताकतवर घोड़े जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी दरकार होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके एवज ने सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है। मैं देखाऊं अगर वहाँ एक चूहा हो हम उसे बग्गी चलाने वाले में तब्दील कर सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी
और परी ने उसको एक मोटीले इंसान में तब्दील कर दिया। इस आदमी की मूंछ बड़ी प्यारी और पुरकशिश थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बागीचे में जाओ और जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो उसके अतराफ में तुम्हें 6 चिपकलियां मिलेगी, उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन चिपकलियों को परी के पास लेके आई, वो 6 चिपकलियां सिपाहियों में बदल गए। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए और भाला पकड़कर और ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करने आए हो। उसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बेहद खुश हूँ, सिंड्रेला ने कहा। लेकिन मैं इन गंदे लिबास में तकरीब में कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े हिंदुस्तानी रेशम लिबास में तब्दील हो गए, जिन पर 2 हंसों की तस्वीर लदी हुई थी। पूरे लिबास में चमकीले मोतियों की चमक लदी हुई थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर के ऊपर मोतियों से लदा हुआ एक ताज आ गया। उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी हुई अंगूठी सज गई। फिर परी ने उसके फटे हुए चप्पलों को पुरकशिश कांच से बने हुए जूतों में तब्दील कर दिया। जैसे ही सिंड्रेला बगी में बैठकर रवाना होने लगी महल के लिए, परी ने उससे कहा, ख्याल रहे आधी रात होने से कबल तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक लम्हा भी वहाँ रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही चिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले ही वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी के बाहर कदम रखा, बादशाह और शहजादा सिंड्रेला की खूबसूरती देख के हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने सिंड्रेला को देख के रक्स करना बंद कर दिया। फनकारों ने सिंड्रेला को देख के गाना बजाना बंद कर दिया। सबकी नजर सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई। शहजादे ने सिंड्रेला को रक्स करने की दावत दी, जिसे सिंड्रेला ने कबूल किया। फनकार फिर से अपनी धुन छेड़ने लगे, पर इस बार उनकी धुन बहुत ज्यादा पुरसोस थी। बादशाह, मल्लिका और सारे मेहमान वहां पे सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और इस सोच में मशगूल हो गए कि ये लड़की है कौन। शहजादे की नजर सिंड्रेला पर मरकूज हो गई थी। दोनों एक दूसरे में इतने खो चुके थे कि सिंड्रेला को वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने एक हिरन की तरह महल के बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई मगर उसे पकड़ ना पाया। महल की सीढ़ियां उतरते वक्त सिंड्रेला का एक जूता एक पैर से निकलकर गिर गया। शहजादे ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के सालारों से पूछा गया कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए देखा। सालारों ने कहा कि उन्होंने किसी शहजादी को बाहर जाते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने एक मैले कपड़ों में एक लड़की को जाते हुए देखा जो शायद से एक बांदी थी। जब महल से सिंड्रेला की सौतेली बहनें घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा, तो शहजादा दावत में आई हुई उस खूबसूरत लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं और वो लड़की अचानक से दावत में से गायब हो गई है। लेकिन बेचारा शहजादा अपने हाथ लगे हुए उस शहजादी के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। शहजादे ने हुक्म किया उस जूते को रेशम की तख्ती पर रखा जाए और सल्तनत के सारे घरों में ले जाया जाए और साथ ही ये ऐलान किया जाए, जिस लड़की के पाँव के नाप का जूता होगा उस लड़की के साथ शहजादा निकाह करेगा। सल्तनत की सारी कुंवारी लड़कियों को वो जूता पहन के देखना था। शुरुआत सल्तनत की शहजादियों को पहना के देखी गई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। शहजादे का सालार जूतों का नाप लेने के लिए घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया लेकिन उसके लिए जूता बहुत छोटा था। बड़ी बहन के दिल में शहजादे से निकाह करने का इतना लालच था कि उसने पाँव छोटा करने के लिए अपने पाँव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पाँव जूते में आसानी से चले गया, पर सिपाही ने खून देखते से ही उसकी चोरी पकड़ ली, उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी, पर उसने भी चाकू से अपनी एड़ी को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए।
पर उसने जब जूता पहनकर चलने की कोशिश की तब शहजादे के सालार को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सिंड्रेला की हसत तरीन सौतेली बहनों के मना करने पर भी सालार ने सिंड्रेला को जूता पहनने पर मजबूर किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पाँव डाला, जूता उसके पाँव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पाँव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी नजर आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में तब्दील कर दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो। सौतेली बहनों ने फौरन पहचान लिया कि दावत में आई हुई खूबसूरत लड़की वो कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला थी। उन्होंने सिंड्रेला के पैर पकड़ के अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन दोनों को चूम कर मोहब्बत से कहा कि वो उन दोनों को तभी माफ करेगी जब वो दोनों उसे अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने उससे वादा किया कि वो उसे अपनी सगी बहन का खिताब देंगी। सिंड्रेला को शहजादे के पास लाया गया। शहजादे को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनका निकाह हो गया। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत नेक दिल शौहर चुने जो रईस भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और शहजादा साथ साथ हमेशा खुश रहे। स्नो वाइट और सात बोने। कई सालों पहले की बात है, एक रानी अपने महल की खिड़की के करीब बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फबारी हो रही थी। सिया लकड़े से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेदी जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून के सुर्ख कतरे सफेद बर्फ पर गिरे। रानी ने सोचा, काश मेरी एक दुख्तर होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होंठ खून के कतरों जैसे सुर्ख और गीसु इस खिड़की के रंग जैसे सिया। कुछ दिनों बाद रानी की ये ख्वाहिश मुकम्मल हुई और उन्होंने बच्ची का नाम रखा स्नो वाइट। लेकिन बेटी के पैदा होते ही रानी की वफात हो गई और बादशाह ने दूसरा निकाह कर लिया। नई रानी जिस कदर खूबसूरत थी उतनी ही मक्कार भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा हसीन हो ये तसव्वुर ही उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक तिलस्मी शीशा था। वो रोज उस शीशे में देखती और पूछा करती, ए तिलस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? शीशा जवाब में कहता, आप इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो। दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और हर नया दिन स्नो वाइट के हुस्न में और निखार लाता। और यूं ही एक सुबह रानी ने तिलस्मी शीशा देखा और उससे पूछा, ए तिलस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? तुम इस जहान की मल्लिकाए हुस्न हो, लेकिन स्नो वाइट का हुस्न तुमसे और बेहतरीन है। रानी गुस्से और हसद से जलाल में आ गई। उसने अपनी सौतेली दुख्तर से फौरन निजात पाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर ले आए, जिससे रानी को ये यकीन हो जाए कि स्नो वाइट की वफात हो चुकी है। शिकारी स्नो वाइट को दूर घने जंगल में ले आया, लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को कत्ल करने के लिए खंजर उठाया, उसे स्नो वाइट की खूबसूरती और उसकी मासूमियत का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें महल में भी नहीं ले जा सकता और तुम्हें जंगली जानवरों के हवाले भी नहीं कर सकता। उसने स्नो वाइट को जंगल में ही छोड़ दिया और रवानगी के वक्त उसने एक हिरन का शिकार किया और उस हिरन का दिल निकाल कर सबूत के तौर पर रानी को पेश किया। बेचारी स्नो वाइट घने सुनसान जंगल में अकेली भटकती रही। झाड़ियों के पीछे खूंखार शेरों की नजरें स्नो वाइट पर पड़ी, लेकिन मानो जैसे मौजजा हो गया, उन्होंने स्नो वाइट पर हमला ही नहीं किया। जब रात गहरी हुई तो स्नो वाइट को जंगल के दरमियान एक छोटा सा घर नजर आया। उसने
दा लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी पर किसी ने नहीं खोला। वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। छोटी छत वाले इस मकान में उसे लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां नजर आई। उस मेज पर 7 नाश्ते की कटोरियां, 7 चमचे और 7 प्यालियां थी। ये मकान 7 बोनों का था जो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई किया करते थे। स्नो व्हाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसने हर कटोरी से थोड़ा थोड़ा नाश्ता नौश फरमाया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो बालाई मंजिल पर गई जहां उसे कमरा नजर आया जहां 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। वो एक बिस्तर पर जाकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। जैसे ही चांद आसमान में रोशन हुआ वो 7 बोने घर की जानिब रवाना हुए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक के कमर पर चमड़े की पोटली थी जिसमें सोना रखा था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो किसी ने हमारा खाना नौश फरमाया। हाँ हाँ किसी ने तो नौश फरमाया है। वो बदहवास हो गए। फिर वो बालाई मंजिल पर रवाना हुए। स्नो व्हाइट को बिस्तर पर आराम फरमाते देख वो हैरान रह गए। ये परी नुमा खूबसूरत लड़की कौन है? ताजुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से हसीन दुशिजा के बारे में पूछने लगे। स्नो व्हाइट ने नींद से उठकर अपनी दास्तान सुनाई। बोनो को उसकी दास्तान सुनकर अफसोस हुआ और उस पर रहम भी आया। उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने हमराह रहने की दावत दी, उसे घर संभालने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उसे आगाह किया कि जब वो पहाड़ी पर काम के लिए जाएंगे तब वो किसी के लिए भी दरवाजा न खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर जालिम रानी को खबर हुई कि स्नो व्हाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से कत्ल करने की साजिश करेगी। स्नो व्हाइट उन 7 बोनो के हमराह रहने लगी। वो घर और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सब के लिए खाना भी बनाती। बोनों के साथ वो बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ के जुल्मों को भी भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से तिलिस्मी शीशे से पूछा, ए तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिगाए हुस्न, इसमें कोई नहीं शक, लेकिन स्नो व्हाइट तो सबसे ज्यादा हसीन है। हमें एक जंगल की चिड़िया ने बताया, 7 बोनों के साथ अपना घर है बसाया। मक्का रानी गुस्से से सुर्ख हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। उसने तय किया कि अब वो स्नो व्हाइट को अपने हाथों से कत्ल करेगी। उसने एक बहरूपिये का चोला उड़ा और जंगल में उन बोनों के घर की जानिब रवाना हुई। स्नो व्हाइट खिड़की के करीब बैठी बोनों के कपड़े सिल रही थी। मक्कार रानी ने आवाज बदल कर उससे सदा लगाई, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़ों के लिए दिलकश रिबन ले लो। खुशनुमा रिबन देखकर स्नो व्हाइट बहुत खुश हो गई। वो बोनों की दी हुई हिदायत को भूल गई और दौड़कर दरवाजा खोलने पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बेहद दिलकश है लेकिन उस पे लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेस में आई मक्कार रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांधूं। ये कहकर रानी ने स्नो व्हाइट का लिबास इतना कस कर बांधा कि बेचारी स्नो व्हाइट सांस तक न ले पाई। सांस न लेने की वजह से स्नो व्हाइट जमीन पर कुछ यूं गिरी मानो जिस्म से रूह जुदा हो गई हो। मक्का रानी खुशी खुशी अपने महल की जानिब दौड़ने लगी। रात को जब 7 बोने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि स्नो व्हाइट जमीन पर निढाल पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया उन्हें पता चल गया कि आखिर क्या माजरा था। उन्होंने कस के बंधी रिबिन को खंजर से काट दिया। जैसे ही रिबन कटी स्नो व्हाइट की सांसें बहाल हुई और स्नो व्हाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बोनो को सारा वाकया कह सुनाया। बोनो को अंदाजा हो गया कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि वही मक्कार रानी थी जो स्नो व्हाइट को अब भी कत्ल करना चाहती थी। याद रखो अभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और स्नो व्हाइट ने पक्का वादा किया कि आज के बाद वो किसी के खातिर दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात मक्कार रानी फिर से तिलिस्मी शीशे के पास आई। तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? आप हो मल्लिकाए हुस्न, इसमें क्या है शक, लेकिन स्नो व्हाइट है सबसे ज्यादा खूबसूरत। गुस्से से सुर्ख हुई रानी महल के तहखाने की जानिब भागी जहां उसने अपने खुफिया काले जादू की दुनिया आबाद कर रखी थी।
वहाँ उसने एक जहरीला सेब इजाद किया। सेब एक जानिब से सब्ज और दूसरी जानिब से गहरा सुर्ख था। सेब का सब्ज हिस्सा तो नौश फरमाने लायक, लेकिन अगर जहरीला सुर्ख हिस्सा खाया तो इंसान की मौत तय थी। मक्का रानी ने फिर से रूप बदला। इस बार एक सेब फरोख्त औरत का भेस बदला, मैला लिबास और हाथों में सेबों से भरा थैला लेकर। वो रंगीन तिलस्मी सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा। वो जंगल में बौनों के मकान की जानिब पहुंची। स्नो व्हाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अजनबी औरत को अपनी जानिब आते देख वो खौफ ज़दा हो गई और दौड़कर मकान में चली गई। उसने फौरन दरवाजा बंद किया। फिर उसे उस औरत की आवाज सुनाई दी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुनकर स्नो व्हाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोल दूं और दरवाजा बंद रखूं, तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए कहा, मुझे आपके सेब तो दिखाएं। रानी ने कहा, ये वाला सेब ले लो, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो व्हाइट सोच में मशगूल हो गई। ये देखकर रानी ने कहा, घबराओ नहीं, बस इसे खा लो। देखो, मैं इसे दो हिस्सों में तकसीम कर देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मक्का रानी सेब का सब्ज हिस्सा खाने लगी और सुर्ख हिस्सा उसने स्नो व्हाइट को दे दिया। स्नो व्हाइट सेब खाने से खुद को रोक न पाई, पर जैसे ही उसने चखा वो जमीन पर गिर गई। उस रात मक्का रानी ने तिलिस्म शीशे को साफ किया और फिर से दरियाफ्त किया, तिलिस्म आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? इस जमीन से लेके फलक तक आपसे खूबसूरत अब कोई नहीं। अब जब बौने रात को घर लौटे, उन्होंने स्नो व्हाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। फौत हुई स्नो व्हाइट के लिए उन्होंने शीशे का एक ताबूत बनाया और अतराफ में फूलों के पौधे लगा दिए, ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सकें। एक दिन एक खूबरू नौजवान घोड़े पर बैठ अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ तशरीफ लाया। जैसे ही उसकी निगाह शीशे के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस दोशीजा को देखा तो वो हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो गहरी नींद की आगोश में है। उसका चेहरा बर्फ की मानिंद सफेद था, लब खून के रंग जैसे सुर्ख और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे सियाह थे। शहजादा उसकी खूबसूरती देखकर हैरत ज़दा रह गया। मेरी दरख्वास्त है, आप ये ताबूत मेरे हवाले कर दीजिए, इसके बजाय मैं तुम्हें सोने से लबरेज कर दूंगा, इतना कि आप खोद के भी कभी पहाड़ियों से नहीं निकल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए पूरी दुनिया की सोने से ज्यादा अजीज है। जब बौनों ने देखा कि शहजादा उनके प्यारे से स्नो व्हाइट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तो उन्होंने वो ताबूत शहजादे को तोहफे के तौर पर दिया। शहजादे ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उस ताबूत को संभाल कर ले आएं। लेकिन जैसे ही सिपाही ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक सिपाही का पैर फिसल गया और उस धक्के की वजह से स्नो व्हाइट के मुँह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल आया, स्नो व्हाइट गहरी नींद से बाहर आ गई और हैरत ज़दा होकर देखने लगी। स्नो व्हाइट के साथ गुजरा सारा वाकया शहजादे ने उसे सुनाया और उसे अपनी शहजादी बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और स्नो व्हाइट, जिसे शहजादा पहले ही नजरों में पसंद आ गया था, उसने निकाह के लिए हामी भर ली। उनके निकाह की खुशी में पूरी रियासत को दावत दी गई और तो और मक्का रानी को भी दावत दी गई। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो तिलिस्मी शीशे के करीब गई और शीशे से अपने बारे में दरियाफ्त किया, ए तिलिस्मी आईने, ये तो बतलाओ सबसे हसीन कौन है भला? कोई नहीं तो आप सा, न बांधी न रानी, पर स्नो व्हाइट तो बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी खूबसूरती तो किसी के काम न आई, स्नो व्हाइट की खुशनुमाई हर किसी के दिल पे छाई। जैसे ही ये अल्फाज रानी के समाज से टकराए, वो जलाल में आ गई और उसने शीशे को फर्श पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलाल और हसद के मारे रानी का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और इसी वजह से उसकी वफात हो गई। लेकिन स्नो व्हाइट और शहजादे की आने वाली अज़दवाजी जिंदगी खुशी से बसर होने लगी। बादशाह के नए कपड़े। कई सालों पहले
एक गांव में एक बादशाह रहता था। बादशाह अपनी दौलत नए कपड़े सिलवाने में और डिजाइन करने में खर्च कर देता था। उसे अपनी रियाया की कोई भी फिक्र न थी, वो सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में सोचता। बादशाह हर रोज नए नए कपड़े पहनता। लोगों का मानना था कि बादशाह हर एक घंटे में नए कपड़े बदलता था। एक दिन सुबह ठीक उसी रियासत में दो ठग दाखिल हुए। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने पहना क्या है। उन्होंने अपने कपड़ों की इतनी तारीफ की कि लोग उनके झांसे में आ गए। उनका कहना ये था कि सिर्फ अक्लमंद शख्स ही इन कपड़ों को देख सकता है। देखते ही देखते वो इतने मकबूल हो गए कि बादशाह तक ये खबर पहुंच गई। बादशाह ने सोचा, वाह, इनके लिबास तो इतने खूबसूरत है कि वो सिर्फ अक्लमंद लोगों को ही दिखाई सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे ये तो पता चलेगा कि मेरे वजीरों में से कौन सबसे ज्यादा अक्लमंद है। बादशाह ने उन दोनों को ढेर सारे पैसों और रेशम के कपड़ों से नवाजा। उन ठगों ने सारा रेशम का कपड़ा और धागा अपने कमरे में मंगवाया और कपड़ा बुनने का नाटक करने लगे। वो दोनों महंगे रेशम के कपड़े और सुनहरे धागे अपने पास रख लेते थे और पूरी रात बुनाई का बस ढोंग रचते थे। वो दोनों काफी रात तक खाली करघा पर काम करने का ड्रामा करते थे। ऐसे कैसे करते हैं ये लोग? बादशाह सोचने लगा। अब वो घबरा गया। उसे इस बात की फिक्र थी कि ये लोग जो भी कपड़ा सीते हैं वो सिर्फ अकलमंद इंसान को ही नजर आता था। ऐसा न था कि वो खुद को नाअहल समझता था, लेकिन वो खुश होता अगर उससे पहले कोई और शख्स उन कपड़ों को देख लेता। मैं मेरे ईमानदार वजीर आला को उन दर्जियों के पास पहले भेजूंगा। बादशाह ने सोचा। अब वजीर आला उन दर्जियों के पास पहुंचा, जहां वो लोग खाली करगा के सामने बैठे थे। बहुत आला, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चीज है। क्यों मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? लेकिन वो अकलमंद था, उसने ऐसा कहा नहीं। ऐ खुदा, क्या ये हकीकत है कि मैं असल में इतना बेवकूफ हूँ? मुझे किसी के सामने ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि मुझे सिए हुए कपड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको हमारा काम कैसा लगा? बहुत खूब। वाह, क्या बात है, क्या रंग है कपड़ों का, बहुत खूब। मैं इन कपड़ों की तारीफ बादशाह सलामत की तरफ जरूर करूंगा। वजीर आला बड़े गौर से उन दर्जियों की बातें सुनने लगा और वजीर आला ने ठीक उसी तरह जाकर बादशाह को सारी हकीकत बताई। अब उन ठगों ने और रेशम के कपड़े, सोने के धागे और पैसों की मांग की। उन दर्जियों ने सारा सामान अपने पास जब्त किया और काम करने का दिखावा करने लगे। कुछ वक्त बाद बादशाह ने एक और वजीर को उन दर्जियों के पास भेजा, ये देखने के लिए कि आखिर सिलाई कैसे चल रही है। लेकिन उस वजीर के साथ भी वही हुआ जो वजीर आला के साथ हुआ था। वो कुछ न देख पा रहा था सिवाय उन खाली करघों के। मुझे पता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इस काम के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वो उन कपड़ों की तारीफ करने लगा जो उसे दिखाई नहीं दिए, और वो बादशाह के सामने कपड़ों की खूबसूरती, डिजाइन और बेहतरीन रंगों की तारीफ करने लगा। तो अब बादशाह ने कहा कि वो खुद जाकर उन दर्जियों का काम देखेगा। उसने अपने साथ तमाम वजीरों को उन दर्जियों के पास ले जाने का फैसला किया। जब वो लोग दर्जियों के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि चालाक दर्जी खाली करगों पर बैठे काम कर रहे थे। वाह, कितना खूबसूरत है। नहीं, हाँ, क्यों नहीं, बहुत ही लाजवाब है। तमाम वजीरों ने कहा, ये सोचकर कि दूसरों को दिखाई दे रहा है, ये देख बादशाह सोच में पड़ गया। क्या है ये, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं मेरी सल्तनत के लिए नाकाबिल हूँ? ये सबसे बदतरीन चीज है जो मेरे साथ हो रही है, उसने जोर से कहा। ओह, ये तो बेमिसाल है। उसने खाली करगे की तरफ देखकर सर हिलाया।
बादशाह कह तो नहीं सकता था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर तमाम वजीर भी खाली करगे की तरफ देखकर मुस्कुराए और बादशाह की बातों से हामी भरी। लाजवाब, बेहतरीन। जुलूस से एक रात कबल ठगों ने फिर से ढोंग करना शुरू किया। आखिरकार बादशाह सलामत के कपड़े तैयार हो गए, सचमुच तैयार है। फिर अगली सुबह वो अपने वजीरों के साथ उस दर्जी के कमरे में गया। बादशाह सलामत। दोनों ही झुककर आदाब बजा लाए जैसे ही बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। आपका इस्तकबाल है बादशाह सलामत। अब उस ठग ने आहिस्ता से मेज पर से कपड़ा उठाया और बादशाह को दिखाने लगा और इस तरह कपड़ों की तारीफ करने लगा मानो सच में उसके हाथों में कपड़ा हो, लेकिन दरअसल उसके हाथ में कुछ न था। ये रहा आपका शाही लिबास बादशाह सलामत, वो तारीफ करते हुए बोला। और दूसरा ठग भी उसी तरह गया कपड़ा उठाने और कहने लगा। ये रहा लबाना और ये रही आपकी अच्छी कीमत। ये इतनी हल्की है कि आपको लगेगा कि आपने कुछ पहना ही नहीं। बादशाह सलामत, यही तो है हमारी खासियत। अच्छा बादशाह सलामत, जल्दी से आप अपने कपड़े उतार दीजिए, उस ठग ने कहा, ताकि हम आपको ये शाही लिबास पहना सके। और ये रहा आईना। बादशाह को वजीरों ने उसके कपड़े उतारने में मदद की। उसके बाद दर्जियों ने बादशाह को अपने हाथों से बने कपड़े पहनाने का ढोंग किया। बादशाह भी कभी अपने हाथ ऊपर उठाता तो कभी कॉलर ठीक करता, मानो जैसे वो लोग उसे सच में कपड़े पहना रहे हो। बादशाह खुद को आईने में देखने लगा। दोनों दर्जी भी बादशाह के पैरहन की तारीफ करने लगे। मेहरबान। पहले दर्जी ने वजीरों से पूछा, क्या बात है, क्या आप लोगों का इस पर कुछ कहना नहीं? सारे खुशी से कहने लगे, बेहतरीन, आला, बहुत ही बढ़िया, क्या क्या कपड़े से लाए हैं आपने, रंग बिरंगे, बेहतरीन, खूबसूरत। तभी जुलूस का ऐलान हुआ। बादशाह सलामत, आपकी बग्गी तैयार है सल्तनत में सैर के लिए। मैं जुलूस के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने एक बार फिर खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या हकीकत में मैं इन कपड़ों में अच्छा लग रहा हूँ? फिर बादशाह के सिपाहियों ने उनका तंबू उठाया। रियासत की तमाम अवाम बादशाह के पैरहन की खूब तारीफें करने लगे। वाह वाह, खूब आला, बादशाह सलामत ने इससे पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। हाँ हाँ, सच कह रहे हो। बादशाह इन सब बातों से बेहद खुश हो गया। पर बादशाह सलामत तो बदलिबास हैं। बच्चे के अब्बा ने कहा, खामोश हो जाओ बेटा। लेकिन अतराफ के लोगों ने भी उसकी आवाज सुनी और तमाम लोग धीरे धीरे वही कहने लगे। भीड़ में से एक शख्स जोर से बोला, अरे भाई, अरे राजा ने तो कुछ नहीं पहना, वहाँ पर एक बच्चा है जो कह रहा है राजा ने तो कुछ नहीं पहना। अरे हाँ भाई, राजा ने तो कुछ नहीं पहना। बादशाह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे खबर थी कि कहीं ना कहीं उसकी आवाम सच कह रही है, लेकिन वो कुछ न कर सका और आगे बढ़ गया। फिर वो खुद से मुखातिब हुआ, ए खुदा, मैंने तो पूरी सल्तनत में अपनी बदलिबासी की नुमाइश लगा दी। बादशाह ने देखा कि अब भी उसके सिपाहियों ने उसका लिबास पकड़ रखा है, तो उसे खुद पर बहुत हंसी आई। गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। एक मर्तबा एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था, क्योंकि उसके जुल्फ सुनहरे रंग के थे। उसे जंगल की सैर और तफरीह पसंद थी और जब उसे भूख का एहसास होता वो जंगली स्ट्रॉबेरी नोश कर लेती, और जब थक जाती तो वहीं उसी दरख्त के साये में सो जाती। उसी जंगल में तीन भालू रहते थे, वालिद भालू जो बड़े थे, उनकी भारी आवाज थी। वालिदा भालू छोटी और गोल मटोल थी, उनकी आवाज सुरीली थी। उनके शाना बशाना उनका फर्जंद बच्चा भालू भी था, जो कपास की तरह नरम और नाजुक था और जिसकी आवाज दबी हुई थी, क्योंकि
सबकी बनावट मुख्तलिफ थी तो सबकी कुर्सियाँ, पलंग और खिचड़ी के बर्तन अलग अलग थे। रोजाना वालिदा चावल को पानी में भिगोकर रख देती और हर सुबह उस भीगे हुए चावल को उबाल कर नाश्ते में तीन अलग बर्तन में परोसती। जिस सुबह ये हादसा दरपेश हुआ उस रोज आफताब तेज रोशन था और बहुत सी चिड़ियां आसमान में गुनगुना रही थी। वालिद भालू और फरजंद भालू मकान के पीछे तालाब में गुसल कर रहे थे और पानी से खेल रहे थे। उसी वक्त वालिदा ने उन्हें नाश्ते के लिए मदु किया और तमाम लोग अपनी अपनी गर्मा गर्म खिचड़ी के बर्तन के रूबरू बैठ गए। ओह, मेरी खिचड़ी शदीद गर्म है, ऐसा वालिद भालू ने अपनी वजनदार आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी शदीद गर्म है, ऐसा वालिदा भालू ने अपनी नर्म आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी बहुत शदीद गर्म है, ऐसे फरजंद भालू ने जोर से कहा। क्योंकि उनकी खिचड़ी ज्यादा गर्म थी तो सभी ने चहल कदमी पर रवाना होने का सोचा, जब तक उनकी खिचड़ी ठंडी हो जाए तब तक। जैसे ही वो लोग अपने मकान के बाहर निकले तभी गोल्डी लॉक्स उनके मकान के करीब आई। वो भूखी और थकी हुई थी क्योंकि वो बहुत देर से पैदल चल रही थी, इसलिए उसने कुछ वक्त ठहरने का फैसला लिया। जंगल में मुकीम इस छोटे से मकान में उसने दरीचे में से झांका। उसे अंदर खाने से सजी एक मेज दिखी। इस मकान में कोई है, उसने आवाज दी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भालू दरवाजा खुला छोड़कर चले गए थे। ये देखकर गोल्डी लॉक्स घर में दाखिल हो गई क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए गोल्डी लॉक्स वालिद भालू की आराम कुर्सी पर बैठ गई, पर कुर्सी उसके लिए निहायत वसी थी। गोल्डी लॉक्स के पैर जमीन तक नहीं पहुँचते थे, इसीलिए उसने वालिदा भालू की कुर्सी पर आराम से बैठने की कोशिश की, पर ये कुर्सी भी उसके लिए निहायत वसी थी। वो नीचे उतर कर फरजंद भालू की कुर्सी पर बैठ गई। वो कुर्सी टूट गई क्योंकि वो कुर्सी उसके वास्ते निहायत छोटी थी। गोल्डी लॉक्स नाश्ते से सजी मेज पर पहुंची। खिचड़ी से उठती खुशबू ने उसकी भूख मजीद बढ़ा दी। उसने वालिद भालू के बर्तन से एक चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन खिचड़ी शदीद गर्म थी, इसीलिए वो प्याला छोड़ वालिदा भालू के प्याले के करीब गई। उसने उस प्याले में से एक चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन अब खिचड़ी बेहद ठंडी थी। पेट भर नाश्ता कर लेने के बाद जैसे उसे जोर से नींद आई, जैसे उसकी नजर आरामगाह की जानी पलंगों पर गई। उसने तय किया क्यों ना घर लौटने से कबल थोड़ा आराम किया जाए। अव्वलन वो वालिद भालू के पलंग पर लेटी, पर वो उसके लिए निहायत वसी था, इसीलिए वो उस पर से उतरकर वालिदा भालू के पलंग पर लेटी, पर वो बहुत नर्म था। गोल्डी लॉक्स को ये पलंग भी ना पसंद गुजरा। वो पलंग से उतरी और फरजंद भालू के पलंग पर लेट गए। ये पलंग उसको इतना सुकून बख्श लगा कि गोल्डी लॉक्स उस पर लेटते ही फौरन नींद की आगोश में पहुंच गए। कुछ वक्त बाद तीनों भालू घर में वापस दाखिल हो गए। किसी ने मेरी खिचड़ी नोश की है, वालिद भालू ने गुस्से में चिल्ला कर कहा जब उन्होंने प्याले में चम्मच देखा। किसी ने मेरी खिचड़ी भी खाई है, वालिदा भालू प्याले में चम्मच देखकर हैरान हो गए। फरजंद भालू, किसी ने मेरी तमाम खिचड़ी नोश कर डाली, कुछ भी बकाया नहीं रखा। फरजंद भालू जारो कतार रोने लगा। वालिद भालू ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था। उतने में वालिदा भालू निहायत बिगड़ कर बोली, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था। उतने में फरजंद भालू सिसक कर कहने लगा, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था और उसे तोड़ दिया। तीनों भालू तमाम घर की तलाश में लग गए। वालिद भालू बिगड़ कर बोले, कोई मेरे पलंग पर सोया था। वालिदा भालू बोली, कोई मेरे पलंग पर भी सोया था। कोई मेरे पलंग पर सोया है, ये देखो वो रही। फरजंद भालू जारो कतार रोने लगा।
आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स नींद से बेदार हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा तीनों भालू उसकी जानिब निहायत गुस्से से देख रहे थे। वो घबरा गई और पलंग से कूद गई। दौड़ते दौड़ते वो सीधे अपने रिहाइश पर पहुंच गई और उस जंगल में दोबारा फिर कभी नहीं आई। शहजादी और मटर। एक वक्त की बात है, एक शहजादा था जो निकाह करना चाहता था। क्योंकि वो शहजादा था तो उसे चाहिए थी एक शहजादी। रानी ने उसे बड़े अदब से पालन पोषण किया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी भी बड़ी अदब तरीन हो। उनके सल्तनत में कोई ऐसी शहजादी नहीं थी जो शहजादे के लिए सही हो। तो शहजादा शहजादी की तलाश में पूरी दुनिया घूमने निकला, पर जितनी भी शहजादियों से वो मिला उसमें कोई ना कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। उसे ऐसी कोई शहजादी नहीं मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। गमजदा होके वो अपनी सल्तनत वापस लौट आया और सोचा कि उसकी किस्मत में बीवी की फरहत है ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश होने लगी। फलक में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। महल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर इस कुदरत के कहर को देखने लगे। और तभी महल के खुसूसी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। शहजादे के वालिद साहब ने जब वो दरवाजा खोला तब बाहर एक बहुत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी, उसके लंबे सुनहरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वो एक शहजादी है, वो एक नजदीकी सल्तनत से अपनी सल्तनत वापस लौट रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मल्लिका को यकीन नहीं हुआ कि वो एक शहजादी है। मल्लिका ने सोचा, क्या ये सच कह रही है? बादशाह सलामत उसे अंदर लेके आए और उसका तारुफ हर किसी से कराया। मल्लिका ने कहा, तुम्हारे इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है, मैंने कभी ऐसी बदहाल शहजादी नहीं देखी। तेज तरीन मल्लिका को कुछ गड़बड़ नजर आई। आखिर उन्हें महल की हिफाजत जो करनी थी, असलियत जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब की। उन्होंने रसोई घर से एक सूखे मटर का दाना लिया और उस मटर को ख्वाबगाह के बीचों बीच रख दिया। और फिर उन्होंने 20 रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर के ऊपर रख दिए। इतने दिलकश और मुलायम गद्दे पहले किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से रानी की पसंद और पार का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का परिंदों के नरम परों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी नरम गद्दा जिस पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के नरम आला दर्जे के गद्दे और सोनों के धागे से बने हुए गद्दे जिस पर सल्तनत की मोहर और नाम लिखा हुआ था। और मटर के ऊपर ये सारे हसीन गद्दे रखने के बाद शहजादी को उसके ऊपर सुलाया गया। हाफते हुए गद्दों को एक दूसरे के ऊपर और ये फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता लगेगा कि असल में ये लड़की शहजादी है या नहीं। जब सुबह सोने के बाद शहजादी नाश्ते पर आई तो वो बड़ी निढाल थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई, शहजादी ने जवाब दिया। मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे ख्याल में वो तोपों में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे बदन पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी थी। क्योंकि इतनी कोमल और नर्म जल्द किसी शहजादी की ही हो सकती है। शहजादे ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर के नीचे से निकाल कर अजायब घर में रख दिया, जहाँ वो मटर आज भी है।
آغوش نیند شہزادی۔ بہت سال قبل ایک بادشاہ اور ایک ملکہ تھے جو بہت مایوس تھے۔ ان کے نکاح کو بہت سال گزر گئے تھے پر وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ بالآخر ان کے یہاں ایک دختر کی پیدائش ہوئی اور ان کی خواہش آخر بر آئی۔ ہر جگہ مسرت کا ماحول تھا۔ شجر عید نثاری میں کوئی کسر نہیں چھوٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ نے ایک پری کے سوا تمام پریوں کو دعوت پیش کی تھی۔ وہاں 13 پریاں موجود تھی پر انہوں نے محض 12 پریوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ مگر کسی کو خیال نہیں تھا کہ وہاں 13 پریاں موجود تھی۔ ایک ضعیف پری تھی جو سبھی کو ناپسند تھی کیونکہ باقی تمام جوان اور جاذب نظر تھی، اسی لیے کوئی انہیں طلب نہیں کرتا تھا۔ شجر عید نثاری تقریب میں 13ویں پری شدید تہش میں اور بے حد سج کر آئی تھی کیونکہ اسے نظر انداز کیا گیا تھا۔ ضعیف پری کو تہش میں دیکھ کر جوان پری نے اپنے آپ کو پردہ نشی کر لیا، جس سے ضعیف پری نے جو نقصان سوچا تھا اس کا سامنا کر سکے اور تقریب بہتر بنے۔ پھر پریاں شہزادی کو تحائف دینے لگی۔ پری اول نے خوبصورتی بخشی، دوم نے انسانیت، سویم نے رحم دلی، چہارم نے اسے عمدہ رقص بخشا، پنجم نے اسے خوشگوار آواز بخشی، چھہم نے اسے تمام آلات موسیقی بجانے کا فن بخشا۔ ان تمام نے بہت کچھ نوازا۔ اس کے بعد ضعیف پری کی باری آئی اور وہ تہش میں شہزادی کے جھولے کے قریب آئی اور تہش میں شہزادی سے کہا، اس کی حیات کے 15ویں برس میں اس کی انگلی چرخے میں آ جائے گی اور وہ انتقال کر جائے گی۔ اس کے بعد وہ پلٹی اور اس خوفناک ماحول سے روانہ ہو گئی کیونکہ سبھی اس سے ناراض تھے اور اسے بددعائیں دینے لگے۔ یہ دیکھ کر جوان پری جہاں چھپی تھی وہاں سے باہر آ گئی۔ فکر نہ کریں، یہ حقیقت ہے، آپ کی بیٹی کی وفات نہیں ہوگی۔ میں کسی پری کی خواہش کو ناکام تو نہیں کر سکتی، لیکن آپ کی بیٹی کی وفات نہیں ہوگی، وہ بس نیند کی آگوش میں چلی جائے گی اور 100 برسوں تک اسی حال میں رہے گی، اور اس کے بعد ایک شہزادہ آ کر اسے جگائے گا اور ضعیف پری کی بددعا پوری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی شہزادی کی زندگی چرخوں سے محفوظ رکھنے کے خاطر اسی وقت حکم دیا کہ ریاست کے سبھی گھومنے والے دورے اور چرخوں کو نظر آتش کیا جائے۔ تمام پریوں کی دعائیں بر آنے لگی۔ شہزادی خوبصورت، رحم دل، شاندار ہونے لگی۔ اب وہ تقریباً 15 سال کی ہوئی تھی۔ وہ سبھی لڑکے اور لڑکیوں کے شانہ بشانہ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ جب اس کے چھپنے کی باری آئی تو وہ دور تہخانے میں جا کر چھپ گئی جو بہت سال قبل تعمیر کیا ہوا تھا۔ وہاں چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئی اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو ایک ضعیف العمر خاتون چرخے کے قریب تشریف فرما تھی اور چرخے کے گھومنے کے ساتھ دھاگوں کے ٹکڑے جڑ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں چرخا چلا رہی ہوں۔ خاتون بادشاہ کے حکم سے انجان تھی کہ سبھی چرخے تہش نہش کر کے دفن کیے جائیں، اور یہ شہزادی کون تھی اس سے بھی وہ بے خبر تھی۔ کبھی تو میں ٹکڑوں میں سے لینن کاٹتی ہوں، کبھی بھیڑ کی کھال سے روئی کاٹتی ہوں، اور کبھی دوشیزاؤں کے لیے سنہرے رنگ کے دھاگوں سے خوبصورت پیرہن بناتی ہوں۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ ہاں ہاں، تھوڑا بہت۔ میں کوشش کروں؟ ہاں ضرور۔ خاتون نے شہزادی کو چرخے کے قریب بیٹھنے دیا پر چرخے کی سوئی کی نوک سے شہزادی کی انگلی زخمی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ضعیف پری کی بددعا حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ ضعیف خاتون برائے مدد آوازیں لگانے لگی اور رونے لگی، اور افراد قلعے کے ہر سمت سے دوڑ کر آ رہے تھے۔ سب نے پانی چھڑک کر شہزادی کو ہوش میں لانے کی کوششیں کی پر ناکام رہے۔ یہ خبر سے واقف ہوتے ہی بادشاہ نے حکم دیا،
कि शहजादी को उसके नरम पलंग पर सोने की कंबल उड़ाकर सुलाया जाए, जब तक 100 साल मुकम्मल ना हो। जिस जवान परी ने शहजादी की हिफाजत की थी, उसे इस हादसे की खबर मिलते ही वो बिला ताखीर 6 ड्रैगन की बग्घी में सवार बादशाही किले के करीब महज 1 घंटे में पहुंच गई। किले में से गुजरते हुए उसने बादशाह, मलिका के सिवा सभी को बेहोश कर दिया। रहबर, सिपह सालार, सिपाही, गुलाम, खादिम, रखवाला, दरबान, तमाम को। तहखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुरझा गए, और बादशाह और मलिका शहजादी पर शफकत करके मायूस होकर शाही किले को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। 1 घंटे में दरख्त की शाखों ने किले को हर सिमत से जकड़ लिया कि कोई अंदर आराम फरमा शहजादी को बेजार ना करे। किले की ऊपरी मंजिल हरे दरख्त की वजह से वक्तन फवक्तन नजर आती। परी ने अपना काम बेहतरी से सरंजाम दिया। 99 मौसम गर्मा, 99 मौसम सर्दी और बारिश बीत गए। एक रोज एक शहजादा जंगल में शिकार को निकला। उसने किले का नजारा किया। उसने अपने सिपाही से इसके बारे में मजीद पूछा। एक ने कहा कि वो किला भूतों का था। उसके बाद एक दूसरे ज़ईफ़ुल उम्र ने कहा, अली जनाब शहजादे, आज से 50 साल कबल मेरे वालिद को मेरे दादा ने कहा था, यहाँ जंगल में एक वसी किला है और वहाँ आलम की सबसे हसीन शहजादी की पैदाइश हुई थी। किसी हादसे के सबब वो अंदर नींद की आगोश में है, जिसे महज कोई शहजादा ही बेदार कर सकता है। ये सुनकर शहजादी की दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसे हकीकत का पता करने की ख्वाहिश हुई। उसने किले की जानिब रुख किया और दरख्त और शाखें काट कर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने शाखों को छुआ, वैसे ही तमाम दरख्त के पत्ते झड़ गए और रास्ता बनने लगा। वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े के शाना बशाना तहखाने में मजीद आगे बढ़ा, उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। उसने वहां लातादाद घोड़े और अफराद देखे। पहले जब वो तहखाने से गुजरा जहां घोड़े और इंसान थे, उसे अव्वल ये लगा कि सब फौत हो चुके हैं, पर बाद में उसे महसूस हुआ कि वो हालत नींद में पुरसकून नींद में सांसें ले रहे हैं। बिलाखिर वो शहजादी के हुजरे में दाखिल हुआ। खूबसूरत नाजुक रोशनी में रेशम के पलंग पर शहजादी नींद के आगोश में थी। शहजादा पलंग के करीब पहुंचा और शहजादी के चेहरे की जानिब तशरीफ रखी। शहजादी की उंगलियां पुरसुकून हालत में एक छोटे से कुत्ते पर थी, जो शहजादी की गोद में हालत नींद में था। शहजादी के लब मुस्कुरा रहे थे। उसने एक हसीन ख्वाब में शहजादी को नींद के आगोश में देखा और बिलाखिर शहजादे ने करीब जाकर शहजादी के पेशानी पर मोहब्बत से बोसा लिया। और अब शहजादी की नींद मुकम्मल हुई और उसके लबों के एहसास से शहजादी नींद से बेदार हुई और बद्दुआ खत्म शुद हुई। मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही थी। उन दोनों का जहाँ जहाँ से गुजर हुआ, एतराफ के तमाम अफराद बेदारे नींद हुए। तमाम किला फिर से रोशन हुआ और सभी अपनी जिम्मेदारियों में मशगूल हो गए। शहजादा और शहजादी एक अजीम उशान मकान में तशरीफ लाए, जहाँ लजीज खाना तैयार था। शहजादा और शहजादी लाफानी इश्क में डूब गए और बिलाखिर उन्होंने निकाह कर लिया और फिर से जश्नो त्योहार के माहौल ने साया किया और सब मौसीकी में झूमने लगे। एक गांव में एक ज़ईफ़ खातून रहती थी। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी।
उसे चेरीज इस कदर पसंद थी कि उसे लगता था कि बस और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, सुबह हो या शाम मुझे बस चेरीज ही चाहिए। अब तो तमाम लोग भी उसे चेरी ही पुकारने लगे थे। चेरी के पड़ोस में ही एक शातिर दिमाग खातून रहती थी। वो सिर्फ शातिर न थी बल्कि काला जादू करने वाली एक डायन भी थी। और हाँ, उसके घर के बागीचे में चेरीज के पेड़ चेरीज से लबालब भरे हुए थे। वो लाल लाल चेरीज देखकर चेरी चुपके से बागीचे में कूद जाती और थोड़ी सी चेरीज ले आया करती थी। उस चुड़ैल को इस बात का बड़ा गुस्सा आता था और ऊपर से चेरी दिखने में भी बेहद हसीन थी। उसके बाल घने और मुलायम थे, गाल तो मानो जैसे लाल लाल सेब, चेहरा तो इतना दिलकश था कि उसे देखकर चुड़ैल तीश में आ जाती। एक रोज चेरी हमेशा की तरह चुड़ैल के बागीचे में चेरीज इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर चुड़ैल मानो पागल हो गई। गुस्से से उसने चेरी पर जादू कर दिया और उसने उससे बदसूरत और डरावनी दिखने वाली मेंढकी बना दी। बेचारी चेरी, उस गांव का जो बादशाह था उसे 3 शहजादे थे, लेकिन राजा ज़ईफ हो चला था। बादशाह ने अपने साहबजादों से कहा, तुम्हें मैं जो शर्तें बताऊंगा और उसे जो पूरा करेगा वही इस गद्दी का असली वारिस होगा। पहली शर्त यह है कि मेरी अंगूठी में से आसानी पार जाने वाला 100 गज मखमली कपड़ा लाना होगा। और देखते ही देखते तीनों शहजादे निकल पड़े। दोनों बड़े शहजादों ने काले घोड़े भी साथ ले लिए और मखमली कपड़ों की कई सारी गठरियां भी खरीद ली। लेकिन जो सबसे छोटा शहजादा था वो चलते हुए सोच रहा था कि बाजार में मिलने वाला मखमली कपड़ा आखिर अंगूठी में से कैसे पार होगा। वो काफी दूर तक चलता रहा। कई जगहों पर उसने तलाश किया पर हाथ कुछ न लगा। थक हार कर आखिर वो एक नदी किनारे बैठ गया। तब पता है क्या हुआ? तालाब से एक मेंढकी उछलकर उसके रूबरू आ गई और फरमाया, आखिर क्या मसला है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। मीठी सी आवाज सुनकर शहजादे ने मुड़ कर देखा। ओ बी मेंढकी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? लेकिन बताओ तो सही, तुम्हारी तकलीफ क्या है? शहजादे ने तमाम हकीकत बयान की और मेंढकी फौरन उछलकर तालाब में चली गई और एक छोटा सा टुकड़ा लेकर बाहर आ गई और कहने लगी, ये कपड़ा आप रख लीजिए, आपके ये यकीनन काम आएगा। फूल ना सही, फूल की पंखड़ी ही सही, ये सोचकर शहजादा वहाँ से चल दिया। जैसे जैसे महल करीब आ रहा था वैसे वैसे शहजादे का हाथ भारी होने लग गया था। बादशाह ने देखा कि ये तीनों ही शहजादे मखमली कपड़ों के साथ हाजिर थे। उसने अपने सोने की अंगूठी निकाली लेकिन दोनों बड़े साहबजादों के लाए हुए कपड़ों का थोड़ा सा हिस्सा ही अंगूठी के अंदर चला गया। कुछ झिझकते हुए छोटे साहबजादे ने अपना कपड़ा आगे किया। इतना साफ सुथरा मखमली कपड़ा देखकर सारे दरबारी हैरान रह गए। बादशाह की अंगूठी से वो कपड़ा आसानी पार हो गया। खुश, एक शर्त तो पूरी हुई, शहजादे ने सोचा। अब बादशाह ने अपनी दूसरी शर्त बताई कि अब मुझे इतना छोटा कुत्ता चाहिए जो अखरोट में समा जाए। दोबारा तीनों शहजादे अगली शर्त के लिए निकल पड़े। ये तो काफी मुश्किल शर्त थी, अब इतना छोटा कुत्ता कहाँ ढूंढे भला। छोटा शहजादा अब करीब के जंगल की जानिब चल पड़ा। काफी देर चलते रहने के बाद आखिर थक हार कर दोबारा नदी के किनारे ही आ बैठा। उसकी मदद करने वाली उस मेंढकी की उसे अचानक ही याद आ गई और दोबारा वो उछल कर बाहर आ गई। ओ राजकुमार, तुम क्यों अफसरदा लग रहे हो? शहजादे ने तमाम दास्तान सुनाई। रुको, हम दोबारा कोशिश करके देखते हैं। यूं कहकर वो दोबारा पानी में चली गई और एक सूखा हुआ फल लेकर वो बाहर आ गई। कहने लगी, ये लो, महल जाकर इसे तोड़ दो और फिर मौजिजा देखो। शहजादा बखुशी वहाँ से चला गया। बड़े शहजादों ने सारा गांव घूमकर कई सारे कुत्ते के बच्चे इकट्ठा किए लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। किसी का सर न समाता तो किसी का पैर ही बाहर रह जाता तो किसी की दुम बाहर झांकती। दोनों बेचारे अफसरदा हो गए। अब छोटे शहजादे ने धीरे से फल तमाम लोगों के सामने तोड़ा और क्या, एक सफेद कुत्ते का बच्चा उसमें समा गया। बादशाह ने उसे अखरोट की खाल में रखते ही
वो बड़े आराम से उसमें बैठ गया। शहजादा बेहद खुश हुआ और बादशाह भी खुश हो गए। अब तीसरी और आखिरी शर्त, हाँ, जो कोई सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की अपनी बेगम बनाकर लाएगा उसे ये रियासत इनाम में दी जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। दोनों बड़े शहजादे निकल पड़े। उनकी कई खूबसूरत हसीनाओं से दोस्ती थी। ये शर्त उन्हें बेहद पसंद आई थी। लेकिन छोटा शहजादा गमगीन हो गया। आखिर मेरी कौन मदद करेगा? वो बदसूरत मेंढकी मेरी किस काम की? ये थोड़ी नदी से निकलने वाली कोई चीज है। अपनी सोचों में गुम शहजादा कब नदी के किनारे पहुंच गया उसे खबर ही न हुई। फिर से उछलकर वो मेंढकी उसके रूबरू आ गई। अब क्या हुआ? अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो शहजादे? तुम्हारा चेहरा जैसे रो रो के फूल गया हो। शहजादे ने शर्त बताई। मेंढकी ने कहा, जैसे ही महल करीब आए पीछे मुड़कर देखना, लेकिन हंसना नहीं। हाँ, अब की बार मेंढकी का कहा सच होगा, इस पर शहजादा भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा महल की जानिब रवाना हुआ। जैसे ही महल करीब आया उसे पीछे से कुछ अल्फाज सुनाई दिए। उसने पीछे मुड़कर देखा और देखते ही रह गया। 6 हट्टे खट्टे चूहे एक बड़े से कद्दू की सवारी बड़ी तेजी से खींच रहे थे। एक बहुत बड़ा मेंढक लकड़ी के बक्से पर बैठा गाड़ी हांक रहा था। और सबसे पीछे एक ऊंचे तख्त पर उसकी दोस्त मेंढकी बैठी हुई थी। ये तो बड़ा ही अजीब मंजर था। लेकिन शहजादे को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये कैसे सवारी है। अगले मोड़ पर उसे एक अलग ही सवारी नजर आई। एक बग्गी को दो खूबसूरत काले घोड़े खींच रहे थे। सवार ने सिपाही के कपड़े पहन रखे थे। एक परी सीफत जैसी खूबसूरत लड़की तख्त पर बैठी हुई थी। शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये वही मेंढकी है। तीनों शहजादे महल में दाखिल हुए। दोनों बड़े शहजादों ने खूबसूरत लड़कियों की जैसे फौजी इकट्ठी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही चेरी महल में दाखिल हुई, तमाम दरबारियों ने उसे खूबसूरती की मलिका कहकर उसकी ताजपोशी की। तो प्यारे बच्चों, शर्त की तकमील पर बादशाह ने सबसे छोटे शहजादे को ही रियासत का बादशाह बना दिया। रापुंजल। एक वक्त की बात है, एक खाविंद और उसकी अहलिया एक छोटे से मकान में मुकीम थे जो खूबसूरत बाग के करीब था, जो एक डायन का था। उसके दरीचे में से फूल और तिब उगते हुए नजर आते थे, पर कभी भी उन्हें लेने की उसकी जुर्रत नहीं होती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो उसे हासिल करने की जुर्रत करेगा तो डायन के सिपली इल्म का शिकार बन जाएगा। एक रोज उसकी अहलिया को बुखार आया। उसे लगा कि अब वो इंतकाल कर जाएगी। अब उसे एक ही तिब का रास्ता नजर आया, तिब्बे रैम्पियन, जो डायन के बाग में उगती थी। उसका शोहर अपनी शरीके हयात को महफूज रखने के लिए कोई भी खतरा लेने के लिए आमादा था। एक रोज वो डायन के बाग की दीवार चढ़कर दाखिल हुआ। वो तिब्बे रैम्पियन के पत्ते तोड़कर अपने मकान पर पहुंच गया। उसकी अहलिया ने नोश की और सेहत याब हो गई, मगर ये सब तवील वक्त तक नहीं चला। वो दोबारा नासाज हो गई। इस मर्तबा उसे तिब्बी पत्तों की जगह जड़ की जरूरत थी। खतरा उठाकर शोहर दोबारा दीवार से बाग में दाखिल हुआ और जड़ें उखाड़ने लगा। अचानक उसके हाथ में जलन होने लगी। उसने ऊपर की जानिब देखा तो डायन को रूबरू खड़ा पाया। तू मेरे बाग से तिब्बे रैम्पियन चोरी कर रहा है। पर मेरी अहलिया इस तिब के बगैर फौत हो जाएगी, उसने गुजारिश की, पर डायन को कोई रहम नहीं आया। जा, ले जा, पर तिब चोरी करने के बदले में मैं तेरा पहला बच्चा ले लूंगी। मैं उसकी पैदाइश पर ही उसे उठा ले जाऊंगी। अभी मजीद वक्त गुजरा ही नहीं था कि उनके यहाँ एक दुख्तर की पैदाइश हुई। अभी तो उसने दीदारे आलम के लिए आंखें खोली भी नहीं थी कि इतने में डायन हाजिर हुई उस दुख्तर को लेने। दुख्तर की परवरिश में वो डायन की शर्त को जैसे भूल ही गया था। उसने दुख्तर को अपने पास रखने डायन से आजिजाना भीख मांगी। वो जारो कतार रोने लगा।
पर उसके आंसुओं और उसके गुजारिशों के कोई असरार डायन पर मुरतिब न हुए। वो दुपहर को बेरहमी से छीन कर ले गई। उस रोज से तो वो उसे इलहदा इस्म से पुकारने लगी, रैपुंजल, जो रैम्पियन का ही दूसरा नाम था। अरसा तवील गुजरा। रैपुंजल आलम की सबसे हसीनो जमील लड़की दिखती थी। जब उसकी उम्र 12 साल की थी तब जंगलों में बसी एक इमारत में उसकी रिहायश थी। इमारत में न तो सीढ़ियां थी न तो दरवाजा। रैपुंजल के दरीचे में दाखिल होने का महज एक ही रास्ता था, वो था दरख्त। वो दीवार से लिपटा हुआ था। डायन को जब जाना होता तब वो उसे पुकारते, रैपुंजल, रैपुंजल, तुम्हारी जुल्फे नीचे आने दो। दुख्तर के निहायत ही सुनहरे खूबसूरत जुल्फ थे। वो अपने घने लंबे बाल दरीचे से नीचे फेंकती। डायन ऊपर चढ़ने के लिए उसकी जुल्फों का बतौर रस्सी इस्तेमाल करती। एक मर्तबा जंगल से गुजरते वक्त एक शहजादा रास्ता भूल गया। वो उस इमारत के करीब से गुजरा। उसने निहायत ही खुशनुमा आवाज सुनी। ऐसा नगमा गुनगुनाते उसने कभी नहीं सुना था। इतने में उसने डायन की आवाज सुनी, रैपुंजल, रैपुंजल, तुम्हारी जुल्फे नीचे आने दो। उसने खूबसूरत सुनहरे जुल्फों को नीचे आते देखा, जिस पर डायन चढ़कर गायब हो गई। शहजादे ने उस दुख्तर का दीदार किया जो बहुत अच्छा गाती थी। उसने डायन के जाने का इंतजार किया, फिर उसने कहा, रैपुंजल, रैपुंजल, तेरी जुल्फों को नीचे आने दे। सुनहरे जुल्फ नीचे आए। वो इमारत पर चढ़ गया। जैसे ही उसने रैपुंजल की खूबसूरती देखी वो उसके इश्क में माइल हो गया और उसे अपनी जौजा बनाने की दरियाफ्त की। रैपुंजल ने डायन के सिवा किसी को नहीं देखा था, इसलिए वो हसीन मर्द को देखकर मुतवज्जा हो गई और उसके शाना बशाना भाग जाने के लिए आमादा हो गई। उसने कहा, एक रेशम की रस्सी लेकर आना, हम उसका जीना बनाएंगे और उस पर मेरी जुल्फ लपेट कर हम साथ साथ घूमेंगे और ढेर सारी शरारतें करेंगे। शहजादा हर शाम उसे मिलने आता क्योंकि डायन उससे दिन के वक्त ही मिलती। भागने का तयशुदा दिन करीब था जबकि रैपुंजल को शहजादे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। रैपुंजल ने डायन से कहा, क्यों अच्छा नहीं हो सकता, तुम तो मेरे शहजादे से भी ज्यादा भारी हो। और डायन को लगा कि रैपुंजल उसकी मुखालिफत कर रही है, इसलिए तहश में आकर उसने उसके जुल्फ ही काट दिए और दरीचे में बांध कर लटका दिए और रैपुंजल को एक इलहदा गुफा में कैद कर दिया। शहजादा वक्ते शाम वापस आया और हस्बे मामूल उसे पुकारने लगा। उसके जुल्फ नीचे आए और वो इमारत पर चढ़ गया, पर इस मर्तबा डायन ने उसे खींचा। वो चली गई, तुम उसका दीदार कभी ना कर पाओगे। और इसके साथ ही उसने शहजादे को फेंक दिया। वो दरीचे से सीधा कांटों की शाट में जा गिरा और उसके दीदों में से लहू बहने लगा। वो नाबीना हो गया और पहाड़ों जंगलों में यादें रैपुंजल में घूमने लगा। एक रोज वो एक गार में पहुंचा जहां रैपुंजल मुकीम थी। जैसे ही उसने शहजादे को देखा रैपुंजल दौड़ी और रोते हुए उसके अश्क शहजादे के दीदों में पड़े और उसकी बीनाई फिर से रोशन हो गई। फिर वो दोनों शाही किले में आए और निकाह करके तमाम उम्र मोहब्बत और इत्तेफाक से गुजारने लगे। बहुत दिनों पहले की बात है, एक मादा बतख अपने घोंसलों में अंडों के ऊपर बैठकर अपने अंडों को सींच रही थी। एक दिन एक के बाद एक अंडे टूटने लगे और पीले पीले बतख बाहर निकलने लगे। छोटा बतख अपने पंखों को हिलाने लगा, क्वैक क्वैक, मेरे प्यारे बच्चों। माँ बतख बहुत सुकून के साथ बोली, कितने खूबसूरत हो तुम सब, क्वैक क्वैक। बच्चे ने कहा, फिर माँ बतख बोली, तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम सब पानी में तैरने उतरेंगे। माँ गिनने लगी, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे बच्चों
और वो बोलती रही, मेरे 6 बच्चे होने चाहिए थे। लेकिन एक बड़ा सा अंडा अब भी घोंसले में था। ओह, माँ बतख बोली, लगता है वो बड़ा अंडा अभी भी और वक्त लेगा। माँ बतख अपने घोंसले में जाकर अंडों पर बैठ गई। दूसरे दिन वो बड़ा अंडा टूटना शुरू हो गया। एक लड़का बतख बाहर निकला, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अलग था और वो दूसरे बच्चों से थोड़ा बड़ा भी था। उसका रंग पीला भी नहीं था और उसका सर बड़ा था। उसका रंग भी थोड़ा सा काला था। सर से लेके पैर तक वो काला था। उसकी चलने का अंदाज काफी मजेदार था। एक छोटी बतख बोली, ये क्या है? ये तो हम जैसा नहीं है। इतना भयानक जानवर मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा छोटा बतख बोला, तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? माँ बतख मायूसी से बोली, तुम सब की उम्र बस 1 दिन की है। तुम्हारे भाई की पैदाइश अभी अभी हुई है और उसी घोंसले से जहाँ से तुम्हारी पैदाइश हुई। चलो अब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम तैरने जाएंगे। फिर भी छोटे बतख बोलने लगे। वो बदसूरत बतख समझ नहीं पा रहा था कि ये दूसरे छोटे बतख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। वो सब के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तमाम पीले बतख एक एक करके नदी में कूदने लगे। जब बदसूरत बतख की बारी आई तो वो पानी में कूदा और आराम से तैरने लगा। कम से कम ये तैर सकता है, माँ बतख ने खुद से कहा। पानी से बाहर आकर तमाम एक साथ खेलने लगे और उस बदसूरत बतख ने भी अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू किया। लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगे, भागो इधर से, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम बदसूरत हो और तुम अजीब चलते हो। क्या तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम पर बड़ा एहसान होगा। सब बतख एक साथ चिल्लाने लगे, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये मुझे यहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? उस रात बदसूरत बतख का बच्चा उड़ के तालाब की दूसरी जानिब गया। वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो जमीन की तरफ न पहुँचा। वहाँ वो 2 बड़े बतखों से मिला। क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूँ? बदसूरत बतख ने कहा, मेरे यहाँ रिहायश का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या करें? एक बतख ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता वहाँ आ गया। वो बहुत भूखा था। वो उन दोनों बतखों के पीछे दौड़ा, लेकिन वो दोनों हवा में उड़ गए और उनके पंख नीचे जमीन पर गिर गए। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत डर गया था। वो डर के मारे छुप गया। कुत्ते ने लंबी सांस ली और वो वहाँ से चला गया। मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूखा कुत्ता भी मुझे नौश नहीं फरमाना चाहता। ये बात कहते हुए बदसूरत बतख अफसरदा हो गया। तभी एक बिजली चमकी। आसमान में कड़कड़ाहट के साथ रोशनी दिखाई दी। बहुत जोर की आंधी आई, उसके साथ ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी। बदसूरत बतख बिजली और बारिश को देख कर बहुत डरने लगा और उसके साथ ही तेज ठंड हवा भी चलने लगी। बोलते हुए उसने अपने पंख अपने सीने से चिपका लिए। मुझे जगह मिल जाए तो मैं खुद को सुखा सकता हूँ। तभी बिजली चमकी और उसे एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। क्या ये किसी की रिहाइश है? वो उस दरवाजे के करीब गया। क्वैक क्वैक, बदसूरत बतख ने कहा। दरवाजा खुलते ही एक आवाज सुनाई दी, बाहर कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा और उसने दाएं बाएं देखा। उसकी आंख भी ठीक नहीं थी। तब उसने नीचे देखा और कहा, अरे ये तो एक बतख है। उसने बदसूरत बतख के बच्चे को उठाया और घर में दाखिल हो गई। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अंडे देने होंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। इतने में एक बिल्ली और एक मुर्गी की नजर उस पे पड़ी। तुम्हारी क्या बिसात है? तुम कभी भी घर में दाखिल होगी और कभी भी कब्जा कर लोगी, बिल्ली ने कहा। मुर्गी ने कहा, मेरे रहते हुए अंडा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, बदसूरत बतख ने कहा। मैं लड़का बतख हूँ, तो तुम्हारी मौजूदगी का सबब क्या है, बिल्ली ने कहा।
बुढ़िया ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ से निकल जाओ धोखेबाज। मुर्गी चिल्ला कर बोली, निकल जाओ निकल जाओ। बिल्ली ने चिल्ला कर कहा। तभी दरवाजा थोड़ा खुला और वो दुखी बदसूरत बतख का बच्चा तूफानी आंधी में दरवाजे से बाहर निकल गया। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बदसूरत बतख की आंखों से आंसू आने लगे। आंधी खत्म हो गई। बदसूरत बतख को एक तालाब नजर आया। वो पानी की तरफ देखने लगा। उसे पानी में एक सफ़ेद रंग के बड़े से परिंदे की परछाई नज़र आई। उसने जब ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक खूबसूरत सा परिंदा आसमान में उड़ रहा था। सफ़ेद लंबा बदन, लंबा गला, जो आसमान में उड़ रहा था। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो परिंदा उसकी नज़रों से ओझल ना हुआ। उसे देख कर वो बेहद खुश हुआ। वो वहीं तालाब के करीब बैठ गया और वक्त गुजारने लगा। दरख्त के पत्ते पानी में गिरने लगे, पहले लाल रंग के, फिर सुनहरे रंग के। मौसम सर्मा आ गया और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवा और काले काले बादलों को देखकर वो और भी अफसरदा हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उस ठंडे तालाब को पार करना बहुत मुश्किल था। तालाब का पानी बर्फ बन रहा था। फिर एक दिन वो पानी में उतरा। पानी बर्फ न बन जाए इसलिए वो अपने पैर चलाता रहा ताकि वो तालाब में फंस न जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, बदसूरत बतख का बच्चा बोला और पैर चलाता रहा। ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो नीचे दब रहा था। तभी दो हाथों ने उसे उठा लिया। इसकी हालत नासाज है, किसान ने कहा, और उसने उस बदसूरत बतख के बच्चे को अपने जैकेट के अंदर ले लिया और अपने घर ले आया। चूल्हे की गर्माहट लेते हुए वो बच्चा वहीं बैठ गया। देखते ही देखते मौसम सर्मा गुजर गया और मौसम बहार आ गया और फिर से पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां उगने लगी, नए फूल खिलने लगे। अब तुम्हारा तालाब में जाकर तैरना जरूरी हो गया है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, किसान ने कहा। फिर उसने उस बदसूरत बतख को उठाया और तालाब के करीब ले गया जहां वो उसे मिला था और पानी में उतार दिया। अरे वाह, मैं तो ताकतवर बन गया। वो खुद ब खुद पानी में झपट्टा मारते हुए तैरने लगा। क्यों, मुझे इतनी ताकत पहले क्यों नहीं महसूस होती थी? उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत सारे खूबसूरत परिंदे आकर पानी में उतरे थे, वही परिंदे जिन्हें उसने उस रोज आसमान में उड़ते देखा था। घबराओ मत, बदसूरत बतख ने दूसरे परिंदे से कहा। अब मैं विदा लेता हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ का सबब नहीं बनना चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जाने लगा। जब उसने आंखें खोली, उसने उस खूबसूरत सफेद रंग के परिंदे का साया तालाब में देखा। वो इतना करीब क्यों आया है, ये सोचकर वो पीछे चला गया और सफेद परिंदे का साया भी पीछे चला गया। ये क्या हो रहा है, बदसूरत बतख का बच्चा बोला। उसने अपने गले को खींचा और खूबसूरत परिंदा भी अपने गले को खींचने लगा। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, उस खूबसूरत परिंदे ने कहा। हमारे साथ रहो ना, एक और खूबसूरत परिंदे ने कहा। हम अच्छे यार बनेंगे। तब उस बदसूरत बतख के बच्चे को समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। वो अब वही बदसूरत सा परिंदा नहीं था, अब वो एक खूबसूरत सा सफेद परिंदा बन गया था। और फिर तमाम परिंदों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए। हमारे साथ चलो, एक खूबसूरत परिंदे ने कहा। तुम पहल करो, बदसूरत बतख के बच्चे ने अपने पर फड़फड़ाए और वो सबसे आगे आ गया। उसके तमाम दोस्त उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वो आसमान में ऊपर और कभी नीचे बड़े मजे से उड़ने लगा। अब कौन है बदसूरत बतख का बच्चा, मैं तो नहीं हूँ।